तुम लोग जितना भी जस्टिफाई कर लो, फैक्ट्स कुछ और कहते हैं. लिसन टू दिस. 1987, नंबर ऑफ डेड इन एनकाउंटर्स विद बॉम्बे पुलिस 12. 1990, नंबर ऑफ डेड इन एनकाउंटर्स विद एटीएस 53. नंबर स्पीक फॉर themselves. राइट? रॉन्ग. इन दो सालों में बॉम्बे की हालत बिल्कुल बदल चुकी थी. अंडरवर्ल्ड. अंडरवर्ल्ड और तुम दोनों में कोई फर्क नहीं. वो भी गैंगस्टर्स, तुम भी गैंगस्टर्स. गैंगस्टर्स इन यूनिफॉर्म. तुम दोनों में गैंग वॉर चल रहा था. तुम उनका एक मारते थे, वो तुम लोगों का एक मार देते थे. पहचाना? कैसा रहे तू? भाई कैसा है तेरा? पता ना किधर है तेरा भाई? किधर है साले? उठ उठ जा. नहीं भाई नहीं. भाई मेरे को नहीं मालूम भाई बूटे किधर है. भाई किधर है तेरा? उसका पड़वा साले. उठ नहीं भाई. क्या सोचा? पुलिस में अपन का खबर ही नहीं है क्या? चल नीचे चल. ये छोटिया तेरे को लगा तो नहीं ना? मार को असलम का इनकाउंटर करा है, बबुल के दोस्त का इनकाउंटर किधर तेरा खबरी बहुत आज साला पुलिस का मिसाल बनाएगा. क्या देख रहा है तुम लोग? क्या देख रहा है साला? ये तेरी माँ का बड़ा पीछे चस छोटा. चूस रहा था. क्या देख रहा है? हाँ, देख रहा? क्या देख रहा है तू? कुछ नहीं. क्या क्या देखा? कुछ नहीं. कुछ नहीं देखा? आग क्या खोपड़ी में शोपीस के लगा ला घाटले? मर नहीं देखा तू? नहीं. झूठ बोलता है साला. पुलिस आएगा ना बत्ती लगा के तो बोलने का माया भाई आया था. समझा? माया. कल टीवी वालों को बोलने का क्या? 3 गोली फायर किया. समझा? ए बुआ खाली 3 इंच गोली न्यूज़ वाले को जमेगा नहीं रे. तो ये लेना रैप चेक न्यूज़ आइटम. बोलेगा क्या? ए, चल चल बहुत हो गया चलो. हेलो माया. तुम क्या चाहिए तुम्हें? अब उनको नहीं तेरे को चाहिए सेठ. क्या प्रोटेक्शन? अरे तू मेरे बच्चे लोग को क्या बोला रे? तुम भी अभी बच्चे हो समझे माया. और मेरे ऊपर तुम्हारे बाप का हाथ है.
मैं डायरेक्ट दुबई बात करता हूँ, समझा? जिसका तू बात कर रहा है ना, उसका हाथ तेरे सर तक नहीं पहुंचेगा रे दुबई से। अभी क्या, तू, तेरा वाइफ, फैमिली, सब इधर ही बॉम्बे में। अपुन भी इधर ही बॉम्बे में, समझा गया? चल, 40 बेटे तैयार रखना। साले फड़वे, तू किसे धमकी दे रहा है? तुझ जैसे कईयों को आते जाते देखा है मैंने। अबे तुझ जैसे लोग 40 लाख क्या 4,000 के लिए रोज मरते हैं। अब मेरा नंबर भूल जा, वरना दुबई फोन घुमाऊंगा तेरे बाप को, समझा? माया, हेलो, बज गए घंटे, बजी 70 पेटी कल 70। ए खजूर, अरे अभी जितना रोकड़ा पड़ा है ना, हाथ के हाथ थमा दे, चल चल गुड लक के लिए, चल 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 फटाफट। चल और नहीं है क्या? और नहीं, और नहीं है। अरे चलो ना यार, चलो निकलो यहाँ से। मजनू साला। हाँ माया। माया कैसा है? माया भाई कैसा है? भाई एकदम झगास फिट। तुम बोलो। वाधवानी का फोन आया था माया, और तेरे को मालूम है कि वो अपन का डायरेक्ट पार्टी है, फिर तो उसको टेंशन काय को दे रहा है? अभी उससे जाके तुम माफी मांग, आज ही, समझा? माया किसी से माफी नहीं मांगे भाई, किसी से नहीं। क्या बोला? क्या भाई है? आप उधर आराम से बैठा है अपना सोने का संडास पे, अपन आपके लिए इधर गदा मजूरी करता है, अपन आपके लिए इधर रिक्स लेता है, आखा मुंबई चलाता है आपके लिए। साला अपुन ही जाके पंटर लोग से माफी मांगेगा तो कैसा चलेगा ना भाई? तो करना क्या चाहता है? पैसा तो अपुन लेगा इच, अखा जितना बोला था उतना इच। माया अपनी बात से पलट इच नहीं सकता ना भाई, इज्जत है अपुन का। क्या वो लोग बार्स में बैठ के नाच गा रहे थे, तुम लोग क्या बैठ के अंगूठा चूस रहे थे? वो रोज अपने अड्डे बदलते थे, उन्हें बाहर निकालने के लिए हमने उनकी फैमिलीज और एसोसिएट्स पर दबाव डाला। ताजे आ इतना। हाँ, ताजी ताजी। चल गए देखड़े। पैसे खिली तू? नमस्कार। ओ आंटी, पैसे तो देके जाओ। अरे मच्छी का पैसे? हाँ तुझा इच्छा। मच्छी का पैसे? मी तुला आंटी दिसते। हाँ आंटी दिसते तुला। कट मेलिया आंटी तुला। ओ मैडम, खान साहब ने बुलाया, चलिए। माया किधर है? होएगा किधर, कभी इधर कभी उधर। बहुत अकड़ रही है तू, जिस दिन तेरा बेटा पुलिस की गोली से मरेगा ना, ये सब अकड़ निकल जाएगी तेरी। ए, ये पुलिस का धमकी जाकर किसी और को दे। तुम पुलिस वालों का असलियत मैं अच्छी तरह से जानती है। उस सालों तक मेरे को जानवर के माफिक पीटता रहा। अब तब तुम पुलिस वाला हिजड़े के माफिक देखता रहा। मेरा माया 9 साल का था, फिर भी मरद था वो। अपना पेट काट के निकाला है मैंने उसको, अब अगर सर भी कटाना पड़ा ना तब भी उसको तेरे हवाले नहीं करेगी मैं। अच्छा साहब, चलती है मैं, मच्छी पकाने का है।
फटू भी आपके साहबजादे नहीं है? नहीं। कमाल है, इस फाइल में तो यही लिखा है, फटू वल्द मोइनुद्दीन अकमल। उसका नाम है फातिम। पैदाइश तो आप ही की है ना जनाब? अब हमारा उसे कोई रिश्ता नहीं। अच्छा, आपके पड़ोसियों का कहना है कि उसका यहाँ रोज का आना जाना है। देखिए भाई साहब, ये दिल के मरीज है, रहम करिए और जाइए यहाँ से। अगर मुझे पता चला कि आपने एक मुजरिम को पनाह दी है तो मैं आप दोनों को हवालात में फेंकवा दूंगा, समझे? सलाम वालेकुम। हाय। वाह 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 वाह, क्या ड्रेस है। लेकिन तुम पे नहीं जचता, बोचे बिल्कुल नहीं ना। आपके वो वाले ड्रेस कहाँ, बैग में रखे आए हो क्या? वो छोटे 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 स्मॉल स्मॉल क्या कह रहे हैं? नाचने आए हो ना, यहाँ की रौनक बढ़ाने। चुचा, दीपा बार की सबसे पटाका और तीखा बार डांसर। देखिए, ये शरीफ लोगों की शादी है। अरे, शरीफ लोगों की शादियों में भी तवायफें नाचती है, तवायफ का मतलब समझती है ना? वही वैश्या रंडी। सर, ये क्या कह रहे हैं आप? अच्छा, हम इनके डांस के लिए कब से इंतजार कर रहे हैं और आप इन्हें कुछ नहीं बोलते? ये हमारे मेहमान है। मेहमान? ये तुमने चीचा को नहीं बताया? मतलब तुमने चीचा को ये भी नहीं बताया होगा कि आप बॉम्बे के सबसे मशहूर अंडरवर्ल्ड भाई के आइटम हो। रखेल है? वाह की रखेल चीचा, नहीं जानते आप तुझे बुआ को? पर हमारे ही प्लान हम पे उल्टा पड़ गया। वो बाहर तो निकले लेकिन गलत जगह पे और गलत टाइम पे। शमशेर, एक बार, सिर्फ एक बार तुम इतना याद रख सकते हो कि एक पुलिस वाले होने से पहले किसी के पिता हो, पति हो तुम किसी के। सलाम अलैकुम मियां। ए छाटू, अपुन से फाइट करने के लिए बॉडी बना ला है? क्या लग रही लिया रे तू? ए, तू ही क्या था ना मेरे तन्नू से शांत पट्टी करने, क्या? ए बुआ, छोड़ ना, अभी अपुन सिर्फ बात करने को आया है। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, मैं फैमिली के साथ हूँ। मैं भी यही सोचा, फैमिली, अब उनकी भी फैमिली है। फिर खान अब उनकी माँ को धमकाने क्यों गया? क्या वो सही था? आइंदा मेरी बीवी और बेटे को छुआ तो मैं तुम दोनों को जान से मार डालूंगा। इतनी गर्मी मत खा, मत खा इतनी गर्मी। बेटा अंदर जा। अपनी नहीं तो अपनी बीवी बच्चे के बारे में सोच। अरे इंशाल्लाह अपन तेरी लाइफ बना देगा यार, ये डबलिंग बोलना यार। पोस्टिंग पोस्टिंग, प्रमोशन प्रमोशन। रुक रहा बोल, नोट रहेगा ना तो आइटम को मनाने को सकेगा। इसी बॉडी बनाने से वापस नहीं आएगी QRC, आएगी क्या? ए बुआ, आएगी रे, अपुन के पास आएगी। आएगी ना रे खजूर, सुन रे, तू बड़ा घर ले, लंबी गाड़ी ले, बोला कितना चाहिए रे? मैं बताता हूँ मुझे क्या चाहिए। तुम जैसे जितने हरामजादे इस शहर में पैदा होते हैं उन सबकी एक फाइल बन के मेरे ऑफिस में आती है। अब इतनी फाइल्स हो गई है कि पैर रखने की जगह नहीं। ऑफिस साफ करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, आदमी खत्म तो फाइल्स खत्म। साला बॉम्बे पुलिस का ऑफिस ही जितना छोटा है और अपुन यहाँ अखा बॉम्बे को अपना ऑफिस बना के बैठा है। हमारे पास जो कुछ भी है अल्लाह का दिया हुआ है। अरे यार, हम उससे बहुत खुश हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ।
वरना बाकी की जिंदगी जेल में काटोगे। अपुन जेल जाएगा। डबलिंग तेरे को जेल जाने का है क्या? क्या जेल में? अपुन को भी नहीं जाने का है। तो मत जाओ ना, मत जाओ ना जेल। ला मेरा रिवॉल्वर दे, ठोक देता हूँ तुम्हें। इतना हुल मत दे। ए, क्या करेगा बे? क्या करेगा तू? अबे जा बे, ये करके चल, बेंच मारने दे चल। अबे तेरी तो साला का बेंच तेरे अंदर घुसेर देगा। ए बुआ छोड़ ना, बाद में देखते रे साले को। चल जाता है, लेकिन जाने से पहले एक बात बोलेगा। ये गेम अपुन लोग का बीच में है, इसमें फैमिली का कोई काम नहीं। तुम लोग अपुन की फैमिली से दूर रहो, अपुन तुम लोग की फैमिली से दूर रहेगा। तुम्हारे और मेरे बीच सिर्फ एक ही चीज हो सकती है, मारो या मरो। क्या एनकाउंटर करेगा? तुम पुलिस वाले भी पब्लिक को क्या मशीनरी लगाते हो? हाँ साला, किसी भी टपोरी को उठा के गली में टपका डालने का, मुर्दे के हाथ में घोड़ा फिट करने का, और फिर अगले दिन टीवी पे बमा बम पब्लिक सिटी। बॉम्बे पुलिस ने घमासान एनकाउंटर में खतरनाक मुजरिम को बहादुरी से उड़ाया। तुम लोगों के भेजे में बात तो जाती नहीं है, सिर्फ गोली जाती है। और देखना, एक ना एक दिन तुम्हारी लाश किसी गली में पड़ी मिलेगी। वो गली दोनों तरफ से खुलती है खान, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा। मैं भी, शायद अब उन फिर मिलेंगे, शायद नहीं। लेकिन एक बात बोलेगा, तेरे से मिलके अब उनको अच्छा लगा। सारा एक पुलिस वाला तो है जिसकी वर्दी में आज भी मेरा भारत महान। इतनी देर बात कर लिए तो ये मत समझना कि गोली मारने से पहले मैं एक सेकंड भी रुकूंगा। गोली अपुन की भी चलेगी, शायद तेरे से पहले चलेगी।